बना है। नमस्कार दोस्तों, प्रेमा कुकिंग में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी हमारी है पपीता का शेक बनाना। तो पपीता का शेक बनाने के लिए सिर्फ 5 मिनट लगा है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है पपीता, तो आप जरूर बनाएं, जरूर ट्राई करें एक बार। अगर हमारा ये पपीता का शेक अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कॉमेंट करने की जरूर बताएं। तो चलिए अब हम पपीता का शेक बना लेते हैं, देखते हैं कि ये टेस्टी पपीता का शेक कैसे बनाएं। बनाने के लिए देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने पपीता काट लिया है छोटा छोटा। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज चाहिए। ये देखिए, मैंने एक चिटकी इलायची लिया है, पिसा हुआ पाउडर है, 4 बादाम है और थोड़ा सा काजू है और थोड़ा ही नारियल, ड्राई नारियल है। अब ये देखिए, 2 कप मैंने दूध लिया है, इसी कप से इसको भी नाप लिया है, 2 कप दूध लिया है। ये 4-5 ठो बर्फ का टुकड़ा लिया है। देखिए हमने चीनी लिया है, तो पपीता भी मीठा होता है, तो चीनी हम खाली 2 चम्मच ही डालेंगे, अपने हिसाब से चीनी डाला। अब इस पपीते को चलिए अब हम पीस लेते हैं। दोस्तों पपीता बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा है, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन मिलता है, तो चलिए अब हम इसको पीस लेते हैं। अभी हमने ले लिया है जार, अभी जार में हम पपीता डाल देंगे, 250 ग्राम से भी कम पपीता है, इसको डाल देंगे। इसमें अभी कुछ डालेंगे नहीं, पपीता के साथ मैं थोड़ा सा दूध डालूंगी, ज़्यादा दूध नहीं डालूंगी, बाद में ज़्यादा डालूंगी ज़्यादा दूध, थोड़ा ही दूध डालूंगी इसको पीसने के लिए। अब देखिए मैंने बादाम डालूंगी, ये 3 ठो बादाम लिया, इसको डाल दूंगी, काजू डाल दूंगी थोड़ा सा है और थोड़ा ये ड्राई नारियल डाल दूंगी और थोड़ा डेकोरेट के लिए रखूंगी। अभी मैं इसको पीस लेती हूँ। हम इसमें पूरा दूध इसलिए नहीं डाला है कि ये जो काजू बादाम और पपीता जो डाले हैं अच्छा बारीक नहीं होगा, इसीलिए मैंने थोड़ा दूध डाला है। इसको पीस के फिर इसके बाद मैं और डालूंगी। अभी देखिए हमने पीस लिया है पपीता को, इस तरह से बारीक हमने पीस लिया पपीता को। अब इसमें हम दूध डाल देंगे, जितना दूध लिया है पूरा दूध डाल देंगे इसमें, इस तरह से पूरा दूध डाल दिया हमने। अब इसमें मैं बर्फ डाल देती हूँ, 4-5 ठो बर्फ लिया, ये डाल दूंगी मैं इसमें। और इसमें हम 2 चम्मच चीनी डालेंगे, क्योंकि पपीता मीठा होता है इसीलिए हम मीठा थोड़ा डालेंगे, 2 चम्मच डालूंगी चीनी। अब इसको मैं दोबारा ढक्कन लगा के पीस लेते हैं। ये देखिए हमारा शेक तैयार हो गया है। अब इसमें मैंने इलायची नहीं डाली थी, थोड़ा इलायची इसमें डाल देती हूँ, डाल करके इसको एक बार और मिक्सी जार चला देती हूँ। ये देखिए इलायची डाल के मैंने एक बार घुमा दिया है मिक्सी जार में डाल के। अब ये देखिए अब हमारा शेक तैयार हो गया है। अब हम आपको सर्व करके दिखाती हूँ। सर्व करने के लिए मैंने 2 गिलास लिया है। अभी देखिए इसको मैं इस तरह से, देखिए इस तरह से इतना पतला होगा, ये कितना अच्छा शेक तैयार है हमारा, इस तरह से। अब इसको मैं डेकोरेट कर देती हूँ। ये देखिए हमारा पपीता का शेक तैयार हो गया है। आप जरूर बनाएं, जरूर ट्राई करें, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगा, उससे भी कम लगा है और हमारा शेक तैयार है। तो दोस्तों हमारा ये शेक, अगर हमारा ये शेक आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल घंटी जरूर दबाएं कि ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।